दिस इज लवी, वेलकम बैक टू माय चैनल लवी लेट्स सी। दो दिन बाद मलेशिया है, वहाँ से मेरा साइन ऑफ है। ये दिस ये सिंगापुर जो है ये वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट भी इसे कहते हैं, क्योंकि आप जब भी सिंगापुर आओगे, आपका वैसल जब भी सिंगापुर आएगा, कुछ ना कुछ स्टोर्स वगैरह या फिर बंकर या फिर क्रू चेंज सब कुछ एक साथ होने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जट्टी पे ऑलरेडी प्रोविजन वाला ट्रक आ गया है। सो ये चीज़ अभी पिक करना है हमको, और कार्गो ऑपरेशंस भी चल ही रहा है। और दूसरी तरफ आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, दूसरी तरफ भी बंकरिंग भी चालू है। ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ बंकरिंग भी स्टार्ट है। ये बंकर बार जेलोंग साइड है और ये होस भी कनेक्टेड है। बंकर ले रहे हैं हम HFO, ये होस आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है बंकर मैनिफोल्ड में। सो इस बंकर बाद से हम बंकर ले रहे हैं। सो सिंगापुर में हमेशा ऐसा ही कुछ रहता है, सब कुछ एक साथ। जैसे आप देख रहे हैं कि बंकरिंग भी चल रहा है, उधर प्रोविजंस भी आ गए हैं और क्रू चेंज भी है, सब कुछ साथ में होता है। सो बहुत बिजी पोर्ट है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि प्रोविजंस ऑलरेडी गैंगवे पे जेटी पे है। ये हम पिक कर रहे हैं। सो ये मोनोरेल से हम पिक करेंगे, पिक करके यहाँ लेंगे, यहाँ से इस ट्रॉली में ट्रांसफ़र करके सीधा अंदर ले जाएंगे। सो यहाँ हमारा स्टोर्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। सो फिलहाल के लिए थोड़ा मदद कर देता हूँ सामान ट्रांसफ़र करने के लिए। प्याज, आलू, लहसुन सब कुछ आ गया। ये डेकेडेड वर्क। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वेसल के फॉरवर्ड स्टेशन में, क्योंकि मेरा वॉच अभी जस्ट ख़त्म होने ही वाला है। तो उससे पहले मैं एक सेफ्टी और सिक्योरिटी राउंड्स ले लूँगा डेक पे, और फिर रस्सी भी एक बार चेक कर लूँगा, क्योंकि हैंड ओवर भी देना है नेक्स्ट बंदे को जो अभी आने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक आगे बस का ही एक और वेसल भी लगा है अपना, सेम कंपनी का, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना बड़ा जहाज है, ये इसका एकोमोडेशन है, नॉटबुक मस्क। अब ये सब लाइंस आपको दिख रहा है, सो यही लाइंस है जो हम पास करते हैं। सो इसी लाइंस के वजह से जो वेसल है, आप देख सकते हैं ये पूरा वेसल अलोंग साइड है, जट्टी पे लगा हुआ है, इसका रीज़न बस ये लाइंस है। ये अपने शिप का भी लाइंस देखे हम पास करके रखे हैं यहाँ पे। सो ये फॉरवर्ड स्टेशन है, आफ्ट स्टेशन में भी सेम आपको दिखेगा। बस इसी पोर्ट से मेरा साइन ऑफ भी होने वाला था, बट कैंसिल हो गया है। बट कोई बात नहीं, दो दिन बाद मलेशिया है, मेरा वहाँ से फ्लाइट है, मैं वहाँ से साइन ऑफ करूँगा अभी मलेशिया से। साइन ऑफ कैंसिल होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, बस दो ही दिन के बाद अगला पोर्ट भी है तो दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं कंटेनर कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। सो इस गैंट्री क्रेन से कंटेनर डिस्चार्ज किया जाता है। ये ट्रक है, आपको ऐसा ट्रक दिख जाएगा, ऐसे ट्रक पे यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है कंटेनर, और ऐसे फिर ये इसको जहाँ भी जाना होता है वहाँ ले जाते हैं इसको। तो ये आपको जो भी इतना बड़ा दिख रहा है, ये गैंट्री क्रेन है। सो फॉरवर्ड लाइन्स मैं चेक कर लिया हूँ, तो गैंगवे पे रिपोर्ट कर देता हूँ। Yes, I'm forward lines checked all okay, at the same place. Okay, copy forward line checked all okay. Thank you. So, अभी चलेंगे हम aft station में, और वहाँ भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। Sam, bay 02 and bay 06 loading complete. Bay 02 and 06 loading complete, thank you. सो लोडिंग वगैरह भी चेक करना रहता है।
सो मैं अभी आ गया हूँ आफ्ट स्टेशन में, आफ्ट मूरिंग स्टेशन। देखो यहाँ पे भी लाइंस वगैरह है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लाइन गया है सीधा उस पे बोलार्ड पे, और इधर भी देख सकते हो आप लाइंस है। और अब मेरे जहाज के पीछे एक और जहाज लगा है, वो भी मस्क का ही जहाज है, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो ये अपना ऑफ स्टेशन है, तो बस सेम आप जैसे वहाँ पे फॉरवर्ड में देखे हो सेम उसी तरह से इसमें भी है। अभी आगे मैं आप लोगों को दिखा रहा था एक जहाज का, आपको आफ्ट दिख रहा था, एकोमोडेशन दिख रहा था। ये जहाज का फॉरवर्ड है, देखो ये ऐसा दिखेगा। सो ये भी एक मस्क का जहाज है, इसका आप देख सकते हो फॉरवर्ड कितना बड़ा ये जहाज है। सो इसी तरह सेम अपना भी जहाज जो है वो भी हम जट्टी से देखेंगे तो ऐसे ही कुछ दिखेगा। बंकर बार्ज भी अलोंग साइड है, हम बंकर भी ले रहे हैं, आपको बंकर बार्ज भी दिखाता हूँ। ये रहा बंकर बार्ज अलोंग साइड है, इससे हम बंकर ले रहे हैं, आई मीन फ्यूल ले रहे हैं। देख सकते हो आप, इसका एक लाइन यहाँ पे आया है। इस पूरे वीडियो में खुशी की बात यही है कि मैं दो दिन बाद घर जा रहा हूँ, क्योंकि सीमेन के लिए ये इससे ज़्यादा खुशी का कोई मतलब उसके ज़िंदगी में खुशी वाली बात ही कुछ और हो ही नहीं सकती कि कैसे बताऊँ, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि साइन ऑफ का एक अलग ही खुशी होता है कि आप जितना मतलब ज्वाइन करते हो, जितना आप मतलब एक क्या बोल रहे हैं, इमोशनल पीरियड जो रहता है ना आप जब ज्वाइन करते हो, सेम उसी तरह आप जब साइन ऑफ करोगे शिप से, उससे ही डबल मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होता है, क्योंकि आप वापस घर जाने वाले हो, फैमिली से मिलने वाले हो, दोस्त यार से सब कुछ एकदम नया नया, वापस घर जाओ, ओह बहुत इज्जत मिलता है यार घर जाने के बाद, 9 महीने बाद काम करके जब घर पहुंचो तो सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि भाई बहुत दिन बाद आया है घर बेटा, तो फुल मजे एकदम। दूसरा एक आप देख सकते हो मस्क के उस जहाज पे, वो भी बंकर ले रहा है, वो वाला जहाज भी है। सो डेक राउंड्स मैं ले लिया हूँ, अभी वापस गैंगवे पे जाऊंगा, क्योंकि गैंगवे मॉनिटर करना मेरा ड्यूटी है, एबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। थोड़ा राउंड्स मैंने ले लिया है, अब मैं वापस गैंगवे पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिलीवर अभी आने वाला है, तो उसको हैंड ओवर देना है। ये आप देख सकते हो फुल कंटेनर्स लोडेड, बिल्कुल एकदम ऊपर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है सारा कंटेनर्स लोडेड है। मेरे वीडियोज़ में आपको जनरली जो चीज़ मुझे पता है मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ, या थोड़ा बहुत इधर उधर से सर्च करके आपको कोशिश करता हूँ कि आपको ईजी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाए। कोई मैं भी कोई भयंकर ज्ञानी तो हूँ नहीं कि सब कुछ मुझे पता रहेगा, तो जितना मैं पॉसिबल हो सकता है उतना मैं करता हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग, आप ऐसे ही सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करते रहो, जल्दी से मेरा चैनल ग्रो कर दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी डालूंगा मैं, सिर्फ जहाज से रिलेटेड नहीं, बाकी ट्रैवल ब्लॉग्स भी आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर और भी बहुत कुछ। तो 4 घंटे के गैंगवे वॉच में मुझे ये भी नोटिस करते रहना पड़ता है कि वेसल सही से अलोंग साइड है कि नहीं, जैसे आप देख सकते हो आगे तक बिल्कुल फेंडर के साथ लगा हुआ है जहाज, और पीछे भी, और गैंगवे भी सही है, जड्डी पे वायर वगैरह स्लैक है, सब कुछ बढ़िया है। आप ये वीडियो एंड तक देखना, मैं अंदर एकोमोडेशन भी आपको दिखा दूंगा आज, क्योंकि आप ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है जहाज पे, तो मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें दिखा दूँ जहाज पे, और बाकी तो आपको अगले जहाज पे तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा ही। मैं अगले जहाज पे एक बढ़िया से ब्लॉगिंग करूंगा, अभी तो मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पे भी फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कोई ऐप भी नहीं है, जहाज पे लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन है, और पोर्ट में आते ही मैं कुछ सिम वगैरह लेके वीडियोस अपलोड कर पाता हूँ। तो अगली बार जब जहाज पे आऊँगा तो फुल तैयारी के साथ, फिलहाल के लिए आपको छोटा छोटा क्लिप्स दिखा देता हूँ। अगले कॉन्ट्रैक्ट से आपको सारे डिटेल्स वीडियो मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस मेरे साथ मेरा दोस्त है मोटरमैन दीपक, आपको उसका हालत दिखाता हूँ एक बार। और दीपक भाई क्या हाल है? हाल बहुत बुरा है, गर्मी बहुत है इंजन रूम में, बहुत जो भी पब्लिक बोल रहा है कि इंजन रूम में इंजन साइड में काम करना है, आप भाई ये हालत देख सकते हो, पूरा बॉयलर सूट भीग गया है इसका, पूरा 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 भीग गया है, ये देख सकते हो फुल एकदम, ये एक नहीं दिन में 4 बॉयलर सूट कैसे भी आपको चेंज करना ही पड़ेगा इंजन रूम में, बहुत गर्मी होता है।
बस ठंडी के टाइम पे थोड़ा सा फायदा है इंजन रूम में काम करने का, बाकी तो भाई हमेशा फिर पसीने में लथपथ। आप सनलाइट देखने मिलता नहीं, सनलाइट देखने को नहीं मिलता है, आपको तो विटामिन डी मिलता नहीं क्योंकि आप सनलाइट लोगों में। ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऑयलर पे वीडियो बनाने के लिए, किसी दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, और वो भी दीपक के साथ जरूर बनाऊंगा। मैं ऑयलर का सारा दिन भर का उसका क्या काम है ये सब कुछ वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बस आप मेरे को फॉलो कर लो, शेयर कर लो और मेरा अकाउंट ग्रो कर दो जल्दी से। रूम में जा रहा हूँ, मेरा ड्यूटी अभी ऑफ हो गया है, फ्रेश होके उसके बाद आपको शाम को सारा जहाज का एकोमोडेशन अंदर से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप ये वीडियो देखते रहिए, थोड़ा लंबा हो सकता है। मेरा रूम भी फुल टोटल मेस, कुछ साफ किया हुआ नहीं है क्योंकि सारा सामान मैं पैकिंग कर रहा हूँ। बैग भी मेरा बाहर निकाल लिया मैंने, ट्रॉली बैग, सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है इधर उधर, सब एक बार में सही करके जाने से पहले साफ सफाई करके दूसरे वाले बंदे को हैंड ओवर दे के खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ के उड़ के भाई चल जाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो सिंगापुर का टर्मिनल कितना बड़ा है, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है वहाँ तक आपको कंटेनर्स दिख जाएंगे। उस तरफ भी एक जहाज है, गैंट्री क्रेन्स दिख रहे होंगे आपको। सो ब्रिज विंग पे खड़ा हूँ मैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं एकोमोडेशन दिखाना अंदर से। पीछे भी जहाज लगा हुआ है, ये भी मस्त है। और ये तो अपना जहाज है, इसके आगे जो जहाज लगा है ये आपको दिख रहा होगा, ये भी मस्त का जहाज है। और मैं अभी हूँ फिलहाल सिंगापुर में। सो ब्रिज विंग से हमेशा एक बढ़िया व्यू मिलता है, जब भी आप ब्रिज विंग पे आ जाओ, आप चाहे सेलिंग में हो या पोर्ट में, बहुत अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ब्रिज विंग से। तो ब्रिज विंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये पूरा ये जो भी आपको दिख रहा है ये ब्रिज विंग है। फिलहाल उसमें एंट्री कर लिया। सो अभी हम पोर्ट पे है तो हमेशा इसको लॉक करके रखना रहता है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। एंड ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी है, तो कोई अनऑथराइज पर्सन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, सो कोई अंदर आ नहीं सकता यहाँ पे। सो ये एक डिस रेडार, बाकी ये तो स्टीयरिंग व्हील आपको पता ही है, ये तो देख के कोई भी बता देगा। और पीछे ये चार्ट स्पेस, चार्ट टेबल वगैरह। और सो ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। उस दिन आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं रात को वॉच पे आया था, तो ये रात को बिल्कुल अंधेरा रहता है तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, इस वजह से मैं कैमरा कैरी भी नहीं किया था। तो अभी पोर्ट पे हूँ तो मौका मिला मुझे दिखाने का आप लोगों को, तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं नीचे जाऊँगा तो एक एक डेक पे आपको दिखाता हूँ किसका किसका कैबिन है, क्या है सब कुछ। सो ये पोर्ट साइड का ब्रिज विंग है, आपको तो मैंने पहले भी दिखाया है कि बंकर बार जेलोंग साइड है सी साइड से, और हम बंकर ले रहे हैं। सो ये रहा ये बंकर बार्ज, बिल्कुल वहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये बंकर बार्ज है, इसका होस वगैरह कनेक्टेड है। अब देख सकते हो बढ़िया टर्मिनल है, ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग सब दिख जाएंगे यहाँ से आपको सिंगापुर के। और ये अपना हाथी वहाँ तक जो दिख रहा है ये अपना हाथी है, बड़ा तगड़ा हाथी है। ये जो सारे आपको स्टेयर्स दिख रहे हैं तो ये बाहर से रास्ता हो गया आपको मेन डेक पे जाने के लिए, ये जितने भी स्टेयर्स हैं तो आप बाहर से आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको अंदर ले जाऊंगा और अंदर से दिखाऊंगा कि एकोमोडेशन अंदर से, जहाज अंदर से कैसे दिखता है ये भी आपको दिखा देता हूँ आज, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, एक दो ब्लॉग और बना सकता हूँ इस जहाज से, तो देखते रहिए आप लोग। सुमृत से नीचे आ रहा हूँ, ये जो सीढ़ी जो भी आपको दिख रहा है ये सारा सब कुछ स्टेयर केस इसको बोलते हैं। सो ही इज आवर सेकंड ऑफिसर क्लिंटन एंड न्यू सेकंड ऑफिसर ऑन बोर्ड। सो ये सारा कुछ स्टेयर केस है। सो दिस इज जीगर, ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। उस कोने में आपको जो दिख रहा है वो कैप्टन का कैबिन है, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा है इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। और
ये चीफ इंजीनियर साहब का कैबिन है, और असिस्टेंट कैसे हम नीचे जाएंगे, तो हम अभी जी डेक पे थे तो अभी हम एफ डेक पे आएंगे। सो एफ डेक पे आपको मिल जाएगा सेकंड इंजीनियर का कैबिन, इलेक्ट्रिशियन, चीफ ऑफिसर, पायलट, बैटरी रूम, लॉकर, ये सब कुछ। सो ये रहा, ये सब कुछ, ये एलिवे है और उनके सारे कैबिन्स यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। और हर डेक पे ऐसे एग्जिट डोर्स मिलेंगे दो साइड, पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड, ये पोर्ट साइड का और स्टारबोर्ड साइड का वहाँ पे होगा। इसी तरह और नीचे जाएंगे हम, अब हम आ जाएंगे ई डेक पे। सो ई डेक पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे एक ऑफिसर्स डे रूम, बाकी स्पेयर कैबिन सेम वही है, ऑफिसर्स का कैबिन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, थर्ड इंजीनियर का, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर का कैबिन वगैरह। सो ये रहा वो एलिवे, बिल्कुल ये सारे कैबिन्स, ये लॉकर है, क्लीनिंग एयर लॉकर, बाकी तो सेम ही है सब कुछ। आपको ये डे रूम दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बढ़िया चीज़ है। सो ये रहा डे रूम, सो दिस इज़ ऑफिसर्स डे रूम। अच्छा बंदोबस्त है यहाँ पे बैठ के, बढ़िया मूवी देखने के लिए फ्रिज वगैरह है, को आप अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी रखो यहाँ पे, निकाल के पियो जब मर्जी। तो अब तो कुछ है नहीं फिलहाल इसमें, और ये मसाज चेयर भी है बढ़िया सा मसाज करने के लिए। चलिए अभी ले जाता हूँ आपको डी डेक पे। सो ई डेक हो गया ख़त्म, अभी हम जाएंगे डी डेक। सो ये रहा डी डेक, जहाँ पे आपको वो चीफ कुक का कैबिन है, और ये एक इसमें के भी हो गया, और ये मोटरमैन का कैबिन है जो दीपक आपको इससे पहले भी दिखाया होगा मैंने वीडियो में, और ये मेरा कैबिन है जो मेन लीड रोल है इस वीडियो में, तो ये उसका कैबिन है ये। बाकी यही बस सब क्रू का कैबिन है यहाँ पे मिल जाएगा, और सेम उसी तरह ये सेम एग्जिट डोर है दोनों तरफ, एक वो उस तरफ आपने देखा होगा, एक दूसरी तरफ ये है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सी डेक पे। सो मैं आ गया हूँ अभी सी डेक पे। सो ये रहा सी डेक, सी डेक पे भी आपको ये सब ऑलमोस्ट क्रू के कैबिन्स है, सो कुछ लोग इनमें से रेस्ट भी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा आवाज़ करना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम चलेंगे बी डेक। सी हो गया ख़त्म, अब बी, जहाज पे बी डेक और ई डेक थोड़ा सा सही जगह है, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। सो ये रहा बी डेक, बी डेक में आपको मिल जाएगा क्रू डे रूम। सो ये रहा क्रू डे रूम, और ये स्मोक रूम भी है, आपको किसको भी जिसको भी मतलब आई मीन जो भी स्मोकिंग करता है वो यहाँ पे आके ही करता है, क्योंकि ये डेसिग्नेटेड एरिया है जहाज पे, ऐसे ही नहीं कि खुला आप कहीं पे भी कर लो, आप कैबिन वैबिन में सिगरेट पी रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक डेसिग्नेटेड एरिया है जहाज पे जहाँ पे आप स्मोकिंग कर सकते हो, ये वो जगह है। यहाँ पे भी है टीवी वगैरह आप लगा के देख सकते हो। ये अपना है एयर हॉकी, पब्लिक खेलती है इसको, बाकी तो ये आपको तो पता ही होगा, ये भी कुछ इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फुसबॉल या फुसबॉल शायद बोलते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता देना इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं खेलता ये, इसलिए मुझे नहीं पता। बाकी कैरम रखा हुआ है यहाँ पे, कैरम भी खेलते हैं हम कभी कभी। और इसके बाद सेम ये वही है क्रॉकरी लॉकर, इसमें सेकंड कुक का सारा सामान रहता है। ये है ड्यूटी मेस रूम, जब भी आप गंदे बॉयलर सूट में हो तो फिर आप खाना लेके आके यहाँ बैठ के खाते हो। और ये रहा असली जुगाड़, सबसे बेस्ट चीज, टेबल टेनिस खेलो यहाँ पे, जिमनेशियम, सारा वेट्स वगैरह रखा हुआ है, एकदम सफिशियंट वेट्स है, जितना आपको ज़रूरत है सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। एक बड़ा सा स्पीकर है, गाना वाना बजाओ एकदम, और इतना सारा इक्विपमेंट, आई थिंक जहाज पे जिम करने के लिए इतना सारा चीज़ काफ़ी है,
क्योंकि आपको उतना टाइम वैसे भी नहीं मिलेगा। जितना टाइम आप निकाल पाओगे उतने में इतना सामान मेरे को लगता है सफिशियंट है। और ये जिमनेशियम जो अभी मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ ट्रेडमिल वगैरह रखा हुआ है, इसमें भागा दौड़ी करो आप जितना मर्जी। सेम वही एग्जिट डोर इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं दोनों तरफ, और हर डेक पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाएंगे दोनों तरफ इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। इन केस ऑफ फायर एक ये फायर एक्सटिंग्विशर एक ये है, और एक उस कोने में भी आपको दिख जाएगा। सो अब और एक इंटरेस्टिंग डेक आ रहा है जहाँ पे हम खाना वाना खाते हैं, ये है ए डेक। ए डेक पे आपको मिल जाएगा डाइनिंग सेलून गैली, ये लाइफ सेविंग अप्लाइंस लॉकर, तो यही है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको लाइफ सेविंग अप्लाइंस, और ड्राई प्रोविजन स्टोर, रेफ्रिजरेटेड प्रोविजन स्टोर, चैम्बर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ निकाल रहा हूँ साइकिल। सो ये है ए डेक जहाज का, डाइनिंग सेलून, कोई है नहीं अभी खाना खाने के लिए यहाँ पे, अभी कोई आया नहीं है, सो यहीं पे हम बैठ के खाना खाते जहाज पे। अभी बस टाइम हो ही रहा है तो खाना लगने वाला है यहाँ पे। सेकंड कुक अपना सब कुछ खाना वाना अरेंज कर रहा है। अब है अपर डेक, अपर डेक पे आपको लेके चलता हूँ। सो एक छोटा सा क्लीनिंग गेयर लॉकर है यहाँ पे, जस्ट स्टेयर केस के जस्ट नीचे, ये पब्लिक टॉयलेट को मिल जाएगा। सो ये है हॉस्पिटल जहाज पे, और ये डेक स्टोर है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। और ये है लिनिन लॉकर, यहाँ पे सारे बेडशीट वगैरह जो भी है आपका सब कुछ मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाज पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है शिप्स लॉन्ड्री का, लॉन्ड्री जहाँ पे हम कपड़ा धोते हैं, तो ये लिनिन के लिए है। ये क्लीन गेयर जो अपने सिविल क्लोथ्स हैं उसके लिए, ये वर्किंग गेयर, बॉयलर सूट्स वगैरह, और दो ड्रायर रखा है यहाँ पे, एक ये और ये, और ये एक ड्राइंग रूम भी है, आप कपड़ा धो के यहाँ सुखा दो, सूख जाएगा सारा बॉयलर सूट आप जो भी डालेंगे यहाँ पे। हेलो चीफ। तो ये रहा अपना डेक चेंजिंग लॉकर, और ये है इंजन चेंजिंग लॉकर। सो ये है इंजन रूम का एंट्रेंस, और ये है आपका फायर कंट्रोल स्टेशन, और ये शिप्स ऑफिस, और यहाँ से आप बाहर जाओगे तो आपको गैंगवे मिल जाएगा, या मेन डेक पे जा सकते हो आप यहाँ से। मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों से, थैंक यू एवरीवन। मैं और भी ऐसे वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा, क्योंकि मेरा 2 दिन बाद यहाँ से साइन ऑफ है इस शिप से, तो होपफुली मैं कुछ 4-5 महीने बाद वापस ज्वाइन करूँगा, तो आपको जहाज से रिलेटेड सारे वीडियोस वगैरह पोस्ट करूँगा। वैसे अभी जब घर पे रहूँगा तो बच्चे नेवी से रिलेटेड वीडियोस तो डालूंगा ही, और वैसे मेरा नॉर्मल लाइफस्टाइल जो भी है उससे रिलेटेड भी वीडियोस डालूंगा, क्योंकि सीमेन का लाइफ सिर्फ जहाज पे तो नहीं है, क्योंकि वो घर पे भी जाके कुछ ना कुछ करते रहता है, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस सब डालते रहूँगा। यू गाइस कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरा चैनल ग्रो कर जाए। थैंक यू।